दिन बृहस्पतिवार को नीलांबर पीताम्बरपुर के मिडिल स्कूल के मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि चतरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कालीचरण के पक्ष में वह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य हेलीकॉप्टर से मिडिल स्कूल में सीधा पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर कार्यक्रम को लेकर पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता तैयारी में जुट गए हैं। हर स्तर पर तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। मौके पर विधायक श्री मेहता ने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में यह उनका तीसरा कार्यक्रम होगा, जिसकी सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। साथ ही कहा कि उनके आगमन को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह व उमंग का माहौल है। कहा लाखों लाख की भीड़ होने की संभावना भी जतलाई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य के कार्यक्रम में आकर उनके विचारों को सुने और भाजपा के पक्ष में अपना मत दे। कल नीलांबर पीताम्बरपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो रहा है और अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कालीचरण सिंह जी के पक्ष में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे, शुरुआत करेंगे और अपने लिए तमाम पलामू के जन जन के लिए ये संदेश देने के काम करेंगे कि ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार बनने वाली है उसमें पलामू के साथ साथ चतरा जो 400 पार का फूलों का जो माला होगा उसमें चतरा का और पलामू का भी दो ये कमल का फूल हंसू का माला उसमें भी आए, दो सांसद यहाँ से जीते, इसके लिए यह शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग तमाम लोग काफ़ी कार्यकर्ता हैं, सो उत्साहित हैं और हम तमाम लोगों के लिए शान की बात है, गौरव की बात है कि अपने डिप्टी सीएम अशोक मौर्य साहब का पदार्पण हो रहा है। हम उनके अगवानी के लिए, स्वागत के लिए और उनके संदेश जो प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, प्रणाम सर ये प्रधानमंत्री जी ने भेजा है ये यहाँ के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और यह जन जन के लिए, गांव गरीबों के लिए उस उनका संदेश और सो प्रधानमंत्री जी का प्रणाम लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर और पूरी तरह से लोगों को एक नया जोश खरोश से भरने का काम करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए चतरा के माननीय कालीचरण सिंह और सो पलामू के बीडी राम साहब को जीत दिलाने के लिए एक सो बहुत बड़ा ये संदेश जाएगा और हम भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार को जिताने के लिए सो लगे हुए हैं और सो उनका संदेश ये का ये शुरुआत होगा। हमारा हम यही कहेंगे पलामू के तमाम ये चतरा के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ से जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है उसको जन जन तक पहुँचाएँ, गाँव गरीब तक पहुँचाएँ और ऐतिहासिक जीत है सो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दर्ज कराने के लिए किसी प्रकार से कोर कसर नहीं पहुँचे छोड़े और जो ये जो 10 सालों में अपने प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए जो काम किया है इसका संदेश सो घर 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 तक पहुँचाएँ और जितना वोट्स है उस सबको ये पोल कराने काम करें और जितना हमारा बूथ में आया था, हर एक बूथ पर आया था जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को 10% सो पोल बढ़ाने के लिए ये हम लोग सो अपील करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आप इसको लाता दिन लेकर के इसको करने का काम करें। इसी से पूरे देश का कि आने वाले समय में भाग भविष्य सो बदलने वाला है, देश की तस्वीर बदलने वाली है और जो तीसरी है सो विश्व की बड़ी शक्ति है सो बनने वाली है सो ये बनने वाला है सो भारत, उसके लिए सो हम अपने प्रधानमंत्री जी को सो फिर से सो तीसरी बार सो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देखना चाहेंगे। इसके लिए सब लोग मिल करके एक साथ सो इसको कार्य करें। हम पूरे पांकी विधानसभा के जन जन से, माताओं बहनों से, नौजवानों से, एक एक कार्यकर्ता से आग्रह करना चाहेंगे कि कल के जो कार्यक्रम है अपने
नेता जो आ रहे हैं केशव भाई ये आ रहे हैं मौर्या साहब, उनके ऐसे बातों को सुनने के लिए सो लाखों की संख्या में पहुंचे और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का कार्य करें। हम खड़े हैं अभी नीलांबर पीताम्बरपुर के मिडिल स्कूल के मैदान में, जहां कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने लोगों को यहां संबोधन करेंगे। वह चतरा लोकसभा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में लोगों से मत देने की अपील करेंगे और यहां पर उमड़ेगी लोगों की जनसैलाब। यही वो फील्ड है, देखिए कि किस तरह की तैयारी चल रही है। यहाँ पर टेंट का काम चल रहा है, स्टेज पर फिर काम चल रहा है और यहाँ पर कल केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे और एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। लोगों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि उनका पलामू जिले के में पहली बार आगमन होने जा रहा है, तो उनके भाषण को सुनने के लिए लोगों में एक उत्साह है, उमंग है। खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह व उमंग है। यही वजह है कि यहाँ काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और लोग इस जो ऐतिहासिक जगह है ये मिडिल स्कूल का मैदान, यहाँ कई बड़े बड़े हस्ती और बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं और यहीं से शंखनाद होगी चुनाव की, जिसे कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार की शंखनाद कल होगी।